हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हमारे धर्मस्थल यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, कि कौन कौन सी चीज़ों में छूट मिली है और कौन कौन सी चीज़ों में सावधानियां बरतनी होगी हमें। आइए जानते हैं। अंबेडकर नगर में यूपी बोर्ड की कॉपियां का मूल्यांकन मंगलवार को हुआ समाप्त। लगभग 3,95,346 कॉपियों का मूल्यांकन हुआ समाप्त। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र व कोविड 19 के दृष्टिकोण जारी निर्देश यातायात के कई नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा। यदि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए रोड पर पाया गया तो होगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। उन्होंने यहां तक कहा कि घरों में भी मास्क लगाना अनिवार्य है। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र द्वारा यातायात के नियम जारी किया गया था, जिसमें यातायात के सभी नियम के कड़ाई से पालन करने को कहा गया था। अधिकारी राकेश कुमार मिश्र व पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी द्वारा पुरानी तहसील तिराहा अकबरपुर अंबेडकर नगर में वाहनों की अभियान चलाकर चेकिंग की गई। और अब आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 में दुकानें खुलेंगी सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक। सामूहिक आयोजन पर भी लगाया गया प्रतिबंध। स्कूल कोचिंग संस्थान को बंद करने का आदेश दिया गया। मिठाई एवं अन्य दुकानें खुलेंगी, लेकिन वहाँ बैठने का आदेश नहीं है। कोई साथ साथ नहीं बैठ सकेंगे, ऐसा आदेश है। यदि आप बाइक पर यात्रा कर रहे हैं तो मास्क लगाना अति आवश्यक है। ऐसा ना करने पे होगी सख्त कार्रवाई। और चार पहिया वाहन में भी सिर्फ पीछे दो लोग बैठ सकेंगे। रखना होगा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। आपको बता दें कि होम क्वारंटाइन की अवधि में किया गया परिवर्तन। पहले 14 दिन था और अब रहेगा 21 दिन। 14 दिन से बढ़ाकर 21 दिन होम क्वारंटाइन की जो अवधि थी उसको बढ़ा के कर दिया गया है। लॉकडाउन 4 में भी सभी धर्मस्थल रहेंगे बंद पहले की तरह, और सोशल डिस्टेंसिंग का किया जाएगा पालन। ऐसा ना करने पे होगी कार्रवाई। और आपको बता दें कि आप बिना वजह में बाहर ना निकलें। जब कोई आवश्यक कार्य हो तभी बाहर जाएं, अन्यथा आप घर पे ही सुरक्षित हैं, घर पे ही बने रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पे। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मेरी एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, वो ये है कि लाइक डिसलाइक करना आपका हक है और उसको अच्छे से करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डिसलाइक दें तो आप ज़रूर बताएं कि आपने क्या कमी कर रखी है और नेक्स्ट वीडियो में क्या सुधार होनी चाहिए। प्लीज़ आप खुल के बोलें, कोई दिक्कत नहीं हमें। जय हिंद, जय भारत। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा।